श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में ब्रह्मांड घाट में सखाओं को साथ में खेलते खेलते पहुंचे। कृष्ण सोच रहे हैं जो कोई ब्रज में आए सबके सब एक ही चीज को प्रार्थना करते हैं, बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। बोले क्यों सारा दुनिया ब्रज रज को प्रार्थना करते हैं। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते मिट्टी खाना शुरू की। सखाओं ने समझा कन्या मिट्टी मत खा, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन किसकी बात ही नहीं सुने, खाते खाते जा रहे हैं। सखाओं ने मैया से चुगली करवा दी। इतने में मैया बोले पहले मक्खन चोरी चोरी कर जाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। लटिया लेकर के सीधा आए, सीधा कृष्ण का कान को पकड़े, बोले अपवित्र दुष्ट। देखो जिनका नाम लेने से पवित्र अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। मैया कहते तो अपवित्र दुष्ट झूठे लवारे हैं, तुमने मिट्टी खाई, घर में किसी खाने पीने का कमी है, तुमने मिट्टी खाई कैसे। कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल दिए, बोले ना अहम भक्षित वानम भो सर्वे मिथ्या विसंसिनम। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं, हैं? इतने में कृष्ण ने कहा मैया आज का भयो तेरे को पतो है का भयो। बोले आज हम सखा लोग घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ चोरी चोरी करके लाते हैं, कहते कन्या तो खा ले। भैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज कभी खाता ही नहीं। भैया बोले मेरे को अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता। बोले मैंने खाया नहीं, सखाओं को पता चला घर में माताओं के पास चुगली कर देगा, और मैं चुगली करने से पर मेरे नाम पर चुगली कर दी गई और इनकी बात हमने तू आ गई। बोले दाऊ तू बता सच सच, कन्या मिट्टी खाए कि नहीं। दाऊ कभी झूठ नहीं बोलते, आज बड़देव प्रभु गवाह दे दिए मैंने अपना आंखों से देखा मिट्टी खाते हुए, फिर कहाँ जाएंगी। बोले मैया ये दाऊ ऊपर में देखने में तो बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े काले हैं, मैं ऊपर में तो काला हूँ अंदर में बड़े गोरो हूँ। यहाँ पर अच्छी बात समझा रहे। बोले आप वृंदावन में दाखिल जाना, जितने आप मंदिर में देखोगे श्री बलदेव प्रभु को आप कहीं गोरे नहीं देखोगे, सब बलदेव प्रभु काले ही काले हैं, क्योंकि कृष्ण चिंतन करते करते ये काले बन गए। कहते कृष्ण ऊपर से काले अंदर से गोरे, मतलब क्या। बोले मेरा जो आत्मा है श्री राधा रानी, बोले आत्मा तो राधिका है, वो मैं राधा रानी को चिंतन करता हूँ इसलिए मैं ऊपर में काला हूँ अंदर में गोरो हूँ। लेकिन भैया को पता कृष्ण बड़ा हाँ दुष्ट है। इतने में कृष्ण सोचे अगर मैया को ये बोल दू, मैया अगर मिट्टी खाए मुंह में तो खाए, मुंह में तो मुंह में थोड़ी बहुत लगा होगा, इसलिए तू अपना मेरे मुंह को खोल कर देख ले। ए बच्चों के बच्चे बैलून हाथ से ले लो, इसलिए हैं कहती ये मुंह में लगा होगा मैया तू देख ले। कृष्ण सोच रहे शायद मैया मान जाएगी, लेकिन मैया को पता ये बड़ा दुष्ट है हैं। इतने में मैया तो एक धमकी दी, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। एक धमकी जब दिए डर से ना कृष्ण का मुंह खोल गया। जब खोल गया इधर से क्या हुआ, अभी जो कृष्ण की हाँ एक चीज अच्छे तरह समझो, अगर समझ पाओगे तो मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, अगर समझ लोगे तो एक चीज को समझ लो। कहते एक भगवान की जोग माया है, ये जोग माया भी ये काम है भगवान की सारे लीलाओं को यही करवाते हैं, कृष्ण नहीं करते हैं, ये जोग माया करवाते हैं। जोग माया मतलब होता है जो भगवान से जीव को जोड़ दे, इसका नाम जोग माया। कहते ये क्या करती है, बोले कृष्ण जो भगवान है उनको ये भुला देती है, इनको ये भुला देती है। अगर कृष्ण को पता चले मैं भगवान हूँ फिर ये लीला असंभव है। भगवान जब मिट्टी खाते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान जब टाटी पेशाब करते हैं, भगवान की कभी ये जोग माया उनको पूरा भुला कर रखती है भगवान है, तभी ये सारी लीला हो रही है। इतने में जोग माया ने देखा कृष्ण के मुंह में मिट्टी अभी है, अगर सचमुच से मैया देख लेना, एक हाथ में दकान पकड़ कर रखी और एक हाथ में डंडा, अगर देख लिया मुंह में मिट्टी है डंडा एक नीचे नहीं सब कृष्ण का पीठ पर पड़ेगा, मैं सारे लीलाओं को करने वाली हूँ, अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु पीट गए फिर मेरा रहना बेकार है,
इसने जोग माया ने किया कि कृष्ण को छोटे से मुंह में अनंत ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया, कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, कितने नदी, कितने आकाश तारे। मैया खुद को खुद देख रही, मैया तो डर गई, होना हो ये तो भगवान नहीं, ये भगवान के मुंह में भी ब्रह्मांड है, ये लाला को मुंह में कैसे ब्रह्मांड, ये होना हो ये तो भगवान नहीं। जब उन्होंने इतने सोचने लगी, कृष्ण डर गए, बोले क्यों डर गए? हाँ देखो अच्छे तरह समझो, अगर समझे सकते तो इसमें अच्छी अच्छी बात बताए। अभी यहाँ डर गए कौन? कृष्ण डर गए। बोले क्यों डर गए? बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे घर में सालग्राम है, उनके लिए मैया छोटी सी मंदिर बनाई और उसमें थोड़ी सी लड्डू मिश्री भोग लगा देती है और घट्टा हिलाते हुए तो मैं वो माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें बोल करके क्या फिर दरवाजा बंद कर देती है। अगर मैया को पता चलेगा मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाई, फिर मेरे को भी अंदर में बंद कर देगी, थोड़ा मिश्री मिठाई भोग लगा देगी, फिर मैं ये सखाओं को साथ में इतने खेलता कूदता आनंद लेता हूँ, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण यहाँ डर गए। जब डर गए, जोग माया ने देखा मेरे प्रभु डर गए। इतने में कृष्ण के मुंह से उन्होंने सारे लीलाओं को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया। फिर मैया देखती है वही छोटा सा मुख और कुछ नहीं, वही छोटी सी मुख है। फिर मैया ने डरते हुए मेरे लाला के ऊपर कोई अलाई वलाई तो नहीं लग गई, बोले गैया की पूछ से झाड़ा लगवाते हैं। हाँ देखो और एक चीज समझो, आप लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? बताओ खाए थे। फिर कृष्ण यहाँ झूठ क्यों बोले? हेलो मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेगा भगवान अगर झूठ बोले तो कोई दोष नहीं, और अगर हम झूठ बोले ना हमारी दोष है, कोई ये बात को बता सकता है? इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भागवत का जो पहला श्लोक है भगवान को कहते हैं सत्यं परम धीमहि। कृष्ण कौन है? कहते ये परम सत्य भगवान है, जिनकी धाम सत्य, जिनकी भक्त सत्य, जो स्वयं त्रिसत्य सनातन है भगवान। फिर भगवान झूठ बोलेगा तो दुनिया भी झूठ बोलेगा। तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया भगवान झूठ नहीं बोले। बोलो दो उदाहरण क्या? समझो अच्छे तरह से। खाना किसे कहते हैं? जब हमसे कोई चीज अलग हो तब खाए उसको खाना कहते हैं, खाना कहते हैं। लेकिन भगवान ने बोले मैंने मिट्टी कब खाई मैया? देख जो विश्व ब्रह्मांड है ये सब के सब तो मेरे पेट में, जब सारा दुनिया मेरे पेट में फिर मैंने खाया कब? हमसे कोई चीज अलग हो तब तो खाना कहते हैं ना। इसलिए मैया देख सारा दुनिया मेरे पेट में, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे सारा दुनिया मेरे में ही। ये एक अर्थ हुआ है। दूसरा अर्थ हुआ है, इसमें थोड़ा संस्कृत का विचार है। ये शब्द है ना अहम भक्सी तबा अम्बो, अम्बो मतलब होता है हे माँ, ना अहम मतलब जब संधि करते हैं होता है ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, जब उसको अलग कर दिया। लेकिन उसको जब शब्दों को एक करते हैं वो शब्द होता है नाहम। ये नाहम का शब्दकोश में एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। कृष्ण ने कहा मैया तुम मिट्टी की क्या बात करते हो, ये विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा, तेरे विश्वास नहीं हो रही है, देख ले मेरे मुंह पर देख ले। उन्होंने मुंह फाड़ कर दिखाए और दुनिया को उन्होंने अंदर में देखे। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, नहीं तो दुनिया झूठा हो जाएगी। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि सारे देवता कहते हैं बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सोनीतम च सत्य। ये 33 करोड़ देवता जब कृष्ण माँ की पेट में देवकी गर्भ में आए, ये 33 करोड़ देवता एक साथ में कह रहे हैं वह त्रिसत्य सनातन जो है जिनकी प्रतिज्ञा सत्य, जिनका भक्त सत्य है, भगवान कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। फिर भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? यहाँ पर प्रभु ने कहा देखो बोले माँ तू ये सोच रहे हो ये मिट्टी को मैं अकेला खाया? नहीं भैया, ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये ब्रज रज के लिए विश्व ब्रह्मांड तरसते हैं, हैं? विश्व ब्रह्मांड, इसलिए रसखान कहते हैं ब्रज में जाकर हमें दो काम करने चाहिए। बोले दो काम क्या है? बोले रमण रीति लेट नहीं, बोले कियो ना जमुना पान। ए मन तू कैसे समझोगे ब्रज की तत्व महान? इसलिए ब्रज में दो चीज, एक है जमुना में जाकर का आचमन लो और ब्रज रज में जाकर के रमण रीति में। हम लोग गए रमण रीति, देखना सब भक्त लोग जाकर लोट फोट खाते हैं,
क्योंकि यहाँ का जो धूल है वो साधारण धूल नहीं, ये भक्तों का चरण धूलि है, जिसको श्री रसखान कहते हैं। बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के कलिकुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी। ये वृंदावन साधारण भूमि नहीं, इसलिए आप वृंदावन में जाओगे ना, शंकर जी स्वयं गोपी बन करके आए प्रवेश करने के लिए, माँ लक्ष्मी को देखोगे कठोर तपस्या कर रही है जमुना का उस पार में, ब्रह्मा जी को देखोगे ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर पाए, उद्धव भी जब ब्रज में आए वो क्या कहते हैं, बोले आशा मह चरण रेणु जुसांग महंग श्याम, वृंदावन किमपि गोल मलतो सदिनम। ये उद्धव जी कहते हैं जब उन्होंने गोपियों की ब्रजवासियों को प्रेम को देखे, कहते क्या मेरा कभी ये सौभाग्य होगा ब्रज में कहीं गुलम लता कहीं घास भूसा होकर अगर जन्म ले। बोले क्यों, बोले गोपियां जब कृष्ण के साथ में मिलने जाएगी, चल करके जाना पड़ेगा, अगर घास बनेंगे तो इनकी चरण धूलि मिल जाएगी, ऐसे श्री ब्रज धाम है। इसलिए कृष्ण ये ब्रज धूल को बोले माँ मैंने अकेले नहीं खाया, देख ये विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हाँ सबके सब ब्रज रज के लिए तरसते हैं, मैं दुनिया को ये रज दे दिया, सब तुम्हारी ब्रज रज से पवित्र हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। कृष्ण जाओ जो थोड़ी बड़े हुए, एक दिन कृष्ण सखाओं को बुलाए, बोले देखो सखाओं आज एक नया खेल खेलेंगे, अगर बच्चों को बोलो ना कोई नया खेल खुश हो जाते। बोले कन्या कौन सा नया खेल खेलोगे, बोले हम घर घर में जाकर के मक्खन चोरी कर, भाई गंदा काम चोरी गंदा काम। बोले देखो हम रुपया पैसा चोरी नहीं करेंगे, हम खाने का चीज चोरी करेंगे, खाने का चीज चोरी को चोर नहीं कहते। कृष्ण सोचा पहले अपना घर में चोरी करके देखता हूँ मैं पकड़ में आता हूँ कि नहीं। एक दिन कृष्णा मैया की नजर बचाते हुए उखल ऊपर खड़े कर मक्खन चोरी कर रहे थे। चोरी करते समय कृष्ण का उम्र अभी 3 साल के, नंद बाबा का घर कैसे जुड़ी जवाहरात बना हुआ, जो पिलर कैसे मणि पिलर है, जब कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे तो उनकी परछाई पिलर में पड़ा। कृष्ण को लगा जैसे मेरे जैसे और शायद कोई आकर के मक्खन चोरी कर रहा है, और इसने देख लिया शायद मैया को बोल देगा। बोले इसके साथ में दोस्ती बना लेता हूँ। बोले दोस्ती कैसे बनाऊंगा, बोले कुछ खिलाओ और उनका हाथ से खाओ। कृष्ण बोले भैया तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं, कहता चोरे चोरे मरसरे भाई। वो परछाई भी वही बोला, कृष्ण बोले तू मेरे घर में आया और मेरे को उपदेश देते हो। कृष्ण तो परछाई से ही लड़ पड़ा, मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई नहीं किससे बात कर रहा है। कृष्ण आ करके देखा कृष्ण अपना परछाई से ही लड़ाई कर रहा है। बोले लाला तू क्या किससे लड़ाई कर रहे हो, बोले भैया मैया भी देख लिया मक्खन चोरी करते हुए। कृष्ण तो छलांग लगाए, वो जो पिलर था ना जिसको अंदर में परछाई दिख रहा था, कृष्ण ऐसे करके पकड़ लिए। बोले मैया मैया हमारा घर में चोर घुस आए हो। बोले कहां पर, बोले इसके अंदर। बोले देखो लाला कितने भोले वाले। बोले ये बताओ चोर तो घर में आया लेकिन तेरे हाथों में मक्खन कहां से आ गया। बोले भैया बात सही है। बोले तुम मेरे हाथ में ये मई का कंगन पहना दी थी ना, ये गर्म हो गया था, मैं ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में कैसे आ गया। बोले ये भी सही है। बोले मुंह में चिट्ठी हाँ चल रहा था, भगाने के लिए गया तो मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोली लाला जो कुछ करती हूँ तेरे लिए, मेरे मक्खन चोरी क्यों करते हो। कृष्ण देखा जीवन में पहला बार चोरी किया तो भगड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ में आऊंगा। एक दिन कृष्ण और किसी गोपी को घर में चोरी करने के लिए गए, वो गोपी पहले से ही मटके में मक्खन धर करके कोने में छुपी हुई थी। जब कृष्ण अंदर में गए मक्खन खाए, कृष्ण हाथ रखे अपना हाँ चोटी से रिबन को निकाले, जब कृष्ण को बांधने के लिए गए, भगवान हाथ बड़ा कोमल है जब बांधने के लिए जाए खिसक जाए। बोले गोपी तुमने कभी जीवन में बंधी गई हो। बोले लाला तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख हम भी तेरे को अच्छे तरह सिखाता हूँ, दूध का तालाब बना दूंगा। दूध का तालाब बना दिए।
बोले लाला जितनी इच्छा से नहाते रहो और तू दूध पीते रहो। मैया बोले मेरे घर में क्या कमी है, मेरे लाला तेरे घर में जाता है, मेरे को विश्वास नहीं। रंगे हाथों से पकड़वा करके दिखा दे। बोले कल दिखा देगा। कृष्ण तो जाते हैं रोज रोज। जब कृष्ण मक्खन चोरी करने गए और मक्खन खा लिया ना, बस वो भी पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे, मैया तुम्हारी मानती नहीं, चल मैया के पास। बोले गोपी आज छोड़ दे, कल से कभी तेरे घर में नहीं आऊंगो, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम की पाँव पड़ता हूँ, तेरे ननद की, आज छोड़ दो। बोले नहीं, चल भैया के पास में। जब लेकर के आई, भगवान तो भगवान है, देखा सामने नंद बाबा बैठे हुए। नंद बाबा लगते हैं जेठ, आपको पता होगा पहले जेठ को सामने कोई नहीं आता, पर्दा करते थे जेठ को। देखा वहां पर बैठे हुए जेठ बैठे हुए, उसको देख करके उन्होंने बड़े पर्दा खींच ली और बच्चे को ऊपर में कपड़े से ढक दी। जब ढक दी ना, इतने में भगवान उसका बेटा ही बन गया। ढकते ही उन्होंने पीछे दरवाजा से देख करके आई मैया को बोला, बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है। बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला घर में रोज मक्खन चोरी करता है, आज कल लाल रंगे हाथों से पकड़ करके लाई। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पलक को ऊपर में थप थप लगा के सुला रही। बोले किसको लेकर के आई, लाला तो अंदर में सो रहा है, फिर इसको पकड़ कर किसको लाई है। मैया बाहर निकली, बोले क्या बात। बोले देख तेरे लाला को लाई। बोले लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके लाई। बोले बेटे को कैसे, अपना घूंघट वो खोली, और बच्चे को ऊपर जब कपड़ा खोलता है ना, देखना अपना बेटा। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, वहां आंख को मसलते मसलता है। बोले भैया तुमने देख लिया, ये गोपी कितने झूठ बोलता है, मैं कभी घर छोड़कर कभी जाता नहीं, ये अगर झूठ बोलती ना कल से सचमुच से घर में चोरी करूं। मैया बोले तेरे का शर्म लगता है, अपना बेटे को लाई और मेरे बेटे को बोले चोर, वो तो शर्मिंदा हो गई। बोले गेट तक तो सही था, अंदर में आ तो गड़बड़ी कैसे हो गई। वो जब वापस जा रहे थे ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले क्यों गोपी, कहा बात है, देखा मैंने कितना तुम्हारा पाँव पड़ी, तेरे खसम की पाँव पड़ी, छोड़ी नहीं ना, देखा तेरे बेटे को आज हमने चोर बनाए, कल अगर फिर पकड़ करके लाओगे ना, तेरे खसम को चोर बना देंगे। बोले कन्हैया मैं हार गई हूँ, तो जीत गए। अभी ब्रज में एक नई गोपी आई, वो बड़ी जोर जबरदस्त लिखी बड़ी गोपी थी, हैं? वो नई गोपी लिखी बड़ी बड़ी जोर जबर चालाक चतुर वो गोपी थी। उसको पता चला कृष्ण घर घर में मक्खन तो चोरी करते हैं, लेकिन किसी पकड़ में नहीं आते। गोपी बोली चीज ना रखे अपनी और चोर ने गाली दे, मैं देखती हूँ कैसे मक्खन चोरी करते हैं कृष्ण। सवेरे सवेरे लठिया लेकर बैठे, जब बैठ गए कृष्ण सखाओं के साथ में आए, एक चक्कर लगाए, लेकिन देखा वो गोपी एकदम लिखी बढ़िया ना, कोई डंडा लेकर बैठी। फिर दूसरे बार चक्कर में लगाए, देखा वो वहां से खड़ी नहीं हो रहे, जा नहीं रहे। जब उन्होंने कृष्णा तीसरी चक्कर लगाए, बोले कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, कैसे चोरी करोगे। कृष्ण बोले मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक कैसे दी। बोले तेरे सारे नाड़ी नक्षत्र मेरे को पता है, तू कहाँ जाते हो क्या करते हो, खबरदार कल से अगर इसी गली में आया ना, सीधा मैया को पास में पकड़ करके ले जाऊंगी। फिर कृष्ण इतने डर गए, दूसरे दिन में तो वो गली ही छोड़ करके कृष्ण वो गली में नहीं आए। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर जब हो गया, कृष्ण जब गली में नहीं आए, अभी गोपियों को कृष्ण को देखे बगैर चैन कहाँ पड़ती, बिना देखे उनका चैन ही नहीं पड़ती। इसलिए गोपी गीत में ये गोपियां गा रही हैं, बोले त्रुटि जो गायते त्वां मपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं, कहते हे श्याम सुंदर, कृष्ण जब गैया चराते हुए ब्रज में आते ही वो मीठी 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 बंसी बजाते हैं। अब ये बंसी ध्वनि सुन करके सारे को सारे गोपियां बाहर निकल करके आ जाती हैं, क्योंकि तीन बार कृष्ण दर्शन नहीं हुए। जब कृष्ण आते हैं, यहाँ उदाहरण देते हैं, कृष्ण का मुख कैसे मिले कि कमल जैसे, उनका जो घुंघराली केस जैसे कैसे, जैसे किसी कमल फूल के ऊपर में जैसे मधुमक्खी जैसे बैठते हैं,
जैसे भ्रमर जैसे गुंजार करते हैं, और गोपियां जब कृष्ण दर्शन करती हैं, दर्शन नहीं मानो कृष्ण को आरती उतारती है दर्शन को द्वारा। दर्शन करते समय ये आंखों का पलक जब झपकी है ना, अब देखना पता नहीं पड़ता आंखों का पलक झपक इतने तेजी से झपकी है, लेकिन इतना समय को भी गोपियां कहती है ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानता नहीं, इतने सुंदर कृष्ण का रूप है देखने के लिए केवल दो ही आंख, पर बीच बीच में पलक, इसमें बीच बीच में पलक झपकी रहती है। बोले त्रुटि जुगायते त्वां मपश्यतां, एक त्रुटि मतलब होता है एक एक सेकंड, एक सेकंड को 11 भाग करो, एक भाग को लो 11 भाग का, उसको एक पल कहते हैं, उसका भी कितना अंश में भाग करो उसको एक त्रुटि कहते हैं। बोले इतना समय अगर कृष्ण दर्शन नहीं हो गोपियों को ऐसे लगता है जैसे कर्म युग बीत गए, लेकिन अभी कृष्ण एक प्रहर दो प्रहर तीन प्रहर हो गया, जब कृष्ण नहीं आए है तो गोपियों को रहा ही नहीं गया। जितनी गोपियां थी ना झुंड को झुंड बना करके सब मैया जसोदा के घर में पहुंच गए, हैं कृष्ण इधर है मैया इधर है, शिकायत किसको करेंगे मैया को, लेकिन देख रहे हैं कृष्ण को लेकिन बोल रहे हैं मैया को। बोले क्यों? बोले वो शिकायत करने नहीं आई, वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए आई, कृष्ण को दर्शन करने के लिए आई। बोले मैया मैया लगता है ये गोकुल हमें छोड़ना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तेरे लाला हमारा घर में रोज रोज मक्खन चोरी करता है। मैया ने कहा एक बात करियो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रख लो, तेरे लाला चोरी नहीं कर पाएगा। बोले मैया हमने को भी कर देख लिया। बोले फिर? बोले लाला का शरीर में जो तुम अलंकार सजाते हो हीरे जवाहरातों से, वो अंदर में प्रवेश करते ही अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। बोले इसको उतार दो। बोले तेरी सौगंध, हाथ मत लगाई। बोले उसका जो नख है, हाँ जो नख है, कभी उसको नख है क्या चीज, इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं ज्ञानी जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये भगवान की नख की ये प्रकाश है। इसलिए बोले जद अद्वैत ब्रह्मोपनिषदि तत्पश्यत तनुहा, जिसको उपनिषद ब्रह्म कहता है वो ब्रह्म क्या है? बोले भगवान की नख की जो प्रकाश है वही ये ब्रह्म है। बोले तेरे लाला की नख में इतने प्रकाश है, वो अपने आप घर उजला हो जाता है। मैया ने बोले एक काम करियो, ये मक्खन को है ना छीके को ऊपर रख दिया कर, फिर लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर घर में कोई सीढ़ी झीना बना कर रखे हो? बोले बनाने का जरूरत नहीं, लाला बना ही लेता है। बोले कैसे? बोले ताऊ भैया बड़े मोटे नीचे बैठा देते हैं, उसको ऊपर मधुमंगल, उसको ऊपर दाम सीता, फिर खुद ऊपर चल जाता है, सारे उतार लेता है। बोले एक काम करो, नीचे मटकी में मत रखो और ऊपर मटकी में मत रखो, बीच वाले में रखो, फिर तो चोरी नहीं कर सकता है। बोले भैया हमें सो भी करके देख लिया। बोले फिर? पहले तो मटकी होता था मिट्टी का है ना, जिसमें माल होगा ना वो गीला गीला होता है, हैं? और जिसमें माल नहीं होगा सूखा होगा, फिर डंडा लेकर के जाते हैं, ऐसे मारते हैं, हाँ पता चल जाता भैया माल किसमें, जिसमें माल है ठोकर मारे बैठ जाते हैं, एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते हैं। भैया बोले एक काम करियो, हाँ एक काम करना, मेरा लाला जितने मक्खन खाता है मेरे घर से दोगुना दोगुना ले जा, तब तो हो जाएगा। बोले भैया तेरे आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं, मेरे हमारे घर में पूर्ण है, इसलिए भैया किसी चीज की कमी नहीं। फिर कृष्ण दर्शन करते हुए गोपियां फिर चली जाती हैं। ऐसे ही एक गोपी रोज रोज बोलती थी, मैया बोले दिखा करके दिखा दो, देखे मगर तो मानोगी नहीं। वो गोपी गई थी जमुना में पानी भरने के लिए, जब आए देखा अंदर में कृष्ण मक्खन खा रहे। बोले पता नहीं इसको पकड़ करके ले जा बदल जाता है कैसे। बोले मैया को बुला करके आज मैं दिखाऊंगी। दरवाजा बंद करके चाबी काठी लेकर, ताला बंद कर दी, वो चाबी काठी लेकर के आए। जब आए घर में देखा कृष्ण को जो नटखट कर रहे थे, मैया जसोदा कृष्ण को बांध कर घर में रखी। बोले ये क्या, उसको तो मैंने बंद करके ताली चाबी काठी में लेकर आई हूँ, ये घर में बैठा हुआ कैसे? लगता है क्या कृष्ण ब्रज में दो दो हो गए। उन्होंने ये आश्चर्य बात जब दूसरे गोपी को बताने के लिए गए, देखा उसको बच्चे को साथ में घर में खेल रहा है। बोले ये क्या, एक कृष्ण दो कृष्ण ये तीन कृष्ण, ये घर घर में कृष्ण कैसे? जब तीसरे घर में गए
देखा एक गोपी उसको गोद में बैठा करके उसको मकर खिला रही। अभी जिस घर में जाए वो गोपी उसी घर में कृष्ण को अलग 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 लीला करते हुए देखा। इतने में कृष्ण ने कहा गोपी तो ये मत समझो मैं केवल तेरे घर में ही चोरी करता हूँ, नहीं ये गोपियां मेरे को रोज रोज घर में बुलाते हैं, मैं बेचे नहीं आता हूँ। इसलिए आपके भजन सुने होंगे बोले आज मेरे अंगना में आइयो नंदलाल आइयो गोपाल दर्शन के प्यासे गोजरिया सा। आज मेरे अंगना में आइयो नंदलाल आइयो गोपाल दर्शन के प्यासे गोजरिया सा। कोई कोई मंडी में होली मनाई गई है, कोई कोई मंडी में होली मनाई गई है, को मेरे लिए जली तली राखी नंदलाल आइयो गोपाल दर्शन के प्यासे गोजरिया सा। आज मेरे अंगना में आइयो नंदलाल आइयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। भगवान की जय जय श्री राम। एक दिन भैया बोले कन्हैया लगता है तेरा शादी बड़ा कठिन है। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ तुम्हारी शादी कैसे होगी? पूरा ब्रज में घर घर में सबके सब कहते तेरे को मक्खन चोर बताओ चोर को कोई क्या बेटी देगी? लगता है तू कुमार का कुमार रह जाओगे तेरे शादी नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़े गड़बड़ हो गई। मैया कहती है मेरी शादी नहीं होगी। अब देखना जो कुछ करते हैं ना सब शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं शादी के लिए, नौकरी चाकरी क्यों करते हैं शादी के लिए, घर मकान क्यों बनाते शादी के लिए, देखना जो कुछ करते ना सब शादी के लिए करते। और मैया कहती है मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण ने देखा बड़ी गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा मैया को ऐसे एग्जाम्पल दू ना, मैया को ये विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। सुन मैया बोले मैं नहीं मान खा तेरे गोद में तो सोया था कि नहीं? बोले हाँ। बोले दिन भर गैया चराया रात भर तेरे गोद में सोया मक्खन में चोरी था? बोले मैं बालक बही अन्य के छोटो मैं इतने 3 साल का हूँ मक्खन कहाँ छिके को पर रखते होंगे ना? बोले हाँ। बोले काही विधि छिके पाए मेरे हाथ कैसे पहुंचा? मैया बोली ये बताओ तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले भैया ये सखा लोग इतने दुष्ट हैं स्वयं तो मक्खन खाते हैं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा देते हैं और मेरे को मक्खन चोर बना देते हैं। लगता है मैया मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक करके चला गया था और तुमने वहां से उठा करके मेरे को पालना कर रही हो, इसलिए मैं तेरे लाला है ही नहीं। जब इतनी सी बात बताए इतने में तो मैया का हृदय एकदम पिघल गया। इतने में कृष्ण कहता मैया कहती लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की, तुमने नहीं की,
फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, बोले मैया मोरे मैंने ही मांगा तो सुन मैया मोरे मैंने ही उसको छठ कृष्ण बदला देते हैं। देखो संतों ने ये जो मक्खन चोरी है ना, इसकी एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाए। आप लोग घर में मक्खन बनाते हो? कौन कौन बनाते? हाथ उठाओ। घर में मक्खन कौन कौन बनाते? सब बनाते हो मक्खन। देखो बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। ये मक्खन चोरी है क्या चीज? कृष्ण ये मक्खन क्यों चुराया करते थे? कहते इसका नाम है मखना। क्या नाम है? मखना। ये मख का मतलब होता है पर्यायवाची में, इसका मतलब होता है क्रोध, और नह मतलब नहीं। मतलब भगवान किस चीज को चुराते हैं? भगवान किसको चुराएंगे? जहां पर क्रोध काम लोभ नहीं, उसी चीज को ही ठाकुर चुराते हैं। बोले ये सब चीज किसको हृदय में नहीं, बोले भक्तों का हृदय। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय कहते हैं संतों का जो हृदय है ये मक्खन जैसे इनके हृदय है। इसलिए अभी कहते भैया मक्खन कैसे बनता है? देखो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दी। आप लोग तो मक्खन बनाते हो ना, पहले दूध को लाओ, दूध को लाकर गर्म करो। ये गर्म करना मतलब जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, भगवान प्राप्त तो कैसे होगा, ठाकुर हमें कैसे मिलेंगे, ठाकुर हमें कैसे मिलेंगे, जब हृदय में गर्मी मतलब भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, इसको बोले यही दूध को गर्म करना। अभी दूध गर्म हो गया, बोले उसको साफ पास में, बाद में फिर हम उसको जमन डालते हैं, जमन डाल देते हैं। अगर जमन ज्यादा होगा ना फिर खट्टा हो जाएगा, जमन परिमाण से होनी चाहिए। बोले जमन डालना मतलब क्या? किसी सदगुरु से भगवत नाम को ग्रहण करना, जैसे कृष्णा राम राधे हैं, जैसे भगवत नाम को जो हम ग्रहण करते हैं, कभी यही हो गया जमन। अभी दही जम गई, दही अभी जम गई, जमन डाल दिए, उसको बाद में क्या करो? फिर मंथन करो। बोले ये मंथन किया, बोले मंथन कहते हैं जब भगवत प्राप्ति की हम साधन भजन करें। गुरु जी से हरिनाम ले लिया, माला ले लिया, अगर माला जहां तक लटक रहा है क्या भगवान हमें मिल जाएंगे? नहीं मिलेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय रखा। जानते हैं ये कलियुग का जीव ज्यादा कोई कठोर साधन भजन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अन्न में ही प्राण हैं। पहले तो हजार हजार साल तक बिना खाए पिए तपस्या करते थे, लेकिन कलियुग में अगर एक दिन कोई व्रत रखो ना, बोले भैया ये काम कर लो, बोले आज हमने व्रत रखा, आज हमने व्रत रखी, मतलब एक दिन भी बगैर खाए भी रह नहीं सकते। इसलिए भगवान कलियुग में सबसे सरल साधन उपाय रखे, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर उतरहि करा। कलियुग में केवल ठाकुर जी के नाम जप करेंगे तो हम भगवान के नाम को सुमिरन करते करते संसार से हम पार हो जाएंगे। कहते यही साधन है। इसलिए हम पहले सुना था जब श्री चैतन्य महाप्रभु को
भक्तों लोगों ने निमंत्रण दिया हमारा घर में भोजन। महाप्रभु क्या बोले, बोले देखो सबके घर में हम खाना नहीं खाएंगे। किसको घर में खाना खाएंगे? किसको घर में? अब लोग लखपति के, जो लखपति होगा, जो लखपति होगा उसके घर में हम खाना खाएंगे। और उसी समय 550 साल पहले लखपति मतलब 1,00,000 सोने की मोहर जिसको घर में। भक्त लोग तो साधारण थे, बोले कभी तो हम लखपति बन ही नहीं सकते, क्या हमारे घर में खाना नहीं खाओगे? बोले जानते हो असली लखपति कौन है? जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। फिर तो भक्त लोग प्रसन्न हो गए। इसलिए आप लोग हमारे संप्रदाय में देखना, जितने सब भक्त लोग है ना, कभी ये माला कभी नहीं छोड़ते। जितने हमारे भक्त लोग देखो, देखो एक छोटे बच्चे खड़े हो गए, खड़े हो गए, देखिए ये बच्चे को देखो, ये छोटा बच्चा ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी देखो तिलक लगाए, गले में कट्टी है, हाथ में माला है, यहाँ पर बैठ कर भगवान की कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी का मैया भी यहाँ पर आई, और उसका जो बहन है ना वो डॉक्टर बनने के लिए, भी डॉक्टर बनने के लिए तैयार कर रहा है। इसका एक बहन बहुत बड़ी सुंदर कथा सुनाती है, इसका छोटी बहन है, दोनों ही डॉक्टर बनने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो गला में कंठी माला, भगवान इनके घर में हम रुके हुए हैं, इनके घर में हम रुके हुए हैं, इनकी मैया भी इधर बैठी हुई, इसलिए बैठ जाओ। इसलिए देखो भगवान की जो नाम है ना इसमें इतनी शांति, भगवान के नाम में बड़ा शांति है ठाकुर जी के नाम पर। लेकिन हम क्या कहते जानते हो, हम तो अपना बेटा बेटी को हीरोइन बनाएंगे, बॉलीवुड में हीरोइन हीरोइन हीरो हीरोइन बनाएंगे। मैंने पहले बताया था ना जो 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी उनका नाम जगत में भी है। अब देखो जितने बड़े बड़े सुंदरी सुंदरी हीरोइन हुई उनका जीवन देखो सुइसाइड करके लास्ट में मरे। अगर इनके जितने जीवन ही पढ़ोगे सुइसाइड करके लास्ट में सबके सब सुइसाइड करके मरे। इसलिए कहते हैं सबसे जगत में बड़ी प्रशंसा है जब कोई भगवान की भजन भक्त नाम रूप में हो, ठाकुर जी की भक्त बन जाए। देखो हनुमान जी का घर घर में पूजा करते कि नहीं? एक बंदर घर में घुसे ना कहते अपवित्र हो गया, लेकिन घर घर में पूजा हो रही। जगत में किसी स्त्री का नाम लेते हैं लेकिन हम मीरा का नाम लेते हैं, हाँ मीरा के नाम लेते हैं, तुलसीदास जी का नाम, ध्रुव प्रहलाद का नाम जगत में लेते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में कोई भी भक्त ये माला नहीं छोड़ते, क्योंकि जो एक एक श्वास जो हमारी जा रही है, रुक जाओ हरे कृष्ण एक मिनट रुक जाओ। इसलिए जब एक एक जो श्वास निकलते हुए जा रही ना, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते। जैसे अरब खरबपति डॉक्टर ने कह दिया इसका अंतिम श्वास है, हम बोले एक कोहिनूर हीरा तेरे को देता हूँ, चार कोहिनूर हीरा देता हूँ, एक श्वास वापस ले ला सकता है? तो ये जीवन की एक एक श्वास अनमोल है, अनमोल ये श्वास है। इसकी श्वास की तभी सार्थकता जब श्वास श्वास में भगवान की नाम निकले। इसलिए कल सुन रहे थे ना चारी बोहों की कथा सुन रहे थे, किसको याद है? कौन बोल सकता है, कौन बोल सकता है? मैंने चारी बोहों की कथा सुनाई थी ना, मैंने कहा था ना मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ। अभी हाँ देखो मैया बोलेगी, हाँ बोलो तो माता जी खड़े खड़े हो जाओ, हाँ जोर जोर से बोलो। हाँ आप लोग और एक देखो ये कथा मैंने भी कल सुनाई थी, इतने महत्वपूर्ण कथा है, मैं तो सारा दुनिया में जाता हूँ, जिसको मैं ये कथा सुनाता हूँ वो प्रभु की भजन में लग जाता है, वो ठाकुर जी के भजन में लग जाता है। वो व्यक्ति जब ये कथा को सुनता है, ये कथा में इतनी अच्छी अच्छी सीखा, उसका हृदय की जो भावना जग जाती है, बोले नहीं सचमुच से प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए। हाँ बोलो माता, जोर जोर से सुना, जोर से। कथा तो सभी को याद है लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन आपका हाथ उठाना। बोलो हाँ बोलो। एक राजा थे, उनकी चार रानियां थी, तो वो कहने लगी कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ।
वहां तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ राजा को कि इसको तो मैं इतना चाहता था, ये ही नहीं मेरा साथ दे रही। दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कहने लगी मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। तो उसने भी मना कर दिया। तीसरी रानी को बोला, वो कहने लगी कि चलो ठीक है मैं दरवाजे तक तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन उसके आगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो राजा ने कहा ये तो तीनों ही ऐसी रही। चौथी वाली को पूछा कि भाई इससे तो मैं बात ही नहीं करता था, चलो इससे भी पूछता हूँ। उससे पूछा, वो कहने लगी राजा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुमने मुझे नहीं चाहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस तरह से वो भक्ति थी। हाँ, बताओ उसका मतलब क्या, बता। वो जो तीनों है वो कौन कौन है? जो तीनों थी, जो सबसे बड़ी थी वो तो हमारा शरीर है, जो दूसरी थी वो लक्ष्मी थी धन दौलत, और जो तीसरी थी वो परिवार हमारा, और चौथी भक्ति। देखो फिर मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, आप इसको याद कर लेना। आप किसी को भी कथा सुनाओगे ना, उसके हृदय की दिया जग जाती है, लाइट जग जाती है। पहला रानी जो सबसे सुंदर थी, मतलब ये शरीर है। राजा जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर देता था, खुश करता था, मतलब ये शरीर हमें जिस चीज की मांग करती है हम ला ला कर उसको खुश करवाते हैं। कहते अगर ब्यूटी पार्लर में सजना चलो, सजने चलो, बोले चलो ब्यूटी पार्लर में सजाएंगे, बोले जिम जाओगे, बोले जिम ले चलेंगे, बोले चवन प्रास खाओगे, बोले चवन प्रास खिलाएंगे, ऐसे साड़ी पहनोगे, बोले पहनाएंगे। लेकिन जब अंतिम समय आया, शरीर से पूछे साथ में चलोगे, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये शरीर हमारे साथ अंतिम समय में नहीं देता है, उसको जला करके ही राख बना देते। दूसरी जो थी सबसे सुंदरी, कहते सबसे सुंदरी कौन है? कहते बाप बड़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया, रुपया ये सबसे सुंदरी, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है। सारा दुनिया को दिखाता था, बोले तू चलोगी, बोले चलोगी क्या, मैं तो जहाँ जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब क्या, ये शरीर छूटते ही पैसा दूसरों के पास में चली जाती है, कहते मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। तीसरी रानी से पूछी, जिसका मीठा बोली सुनता था, मन की बात कहा करता था, हैं कहते परिवार वाले हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे तेरे को मैंने साथ भरा अग्नि के साथी करके शादी किया था, साथ में चलोगे? बोले दरवाजा तक चलो, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ोगे, लेकिन तेरे साथ में मैं चलने वाला नहीं। परिवार वालों से पूछे, बोले हाँ चलेंगे, तेरे लिए आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते शमशान तक ले जाएंगे, वहीं जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे। बोले आगे? बोले और नहीं जा सकते। चौथी रानी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखा था, ये बेकार किसी काम के नहीं, घर की कचड़ा बना करके, लेकिन जब पूछा कि बोले वही राजी होती है, बोले राजा तेरे को दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, हैं, लेकिन तुमने एक बार झांक करके भी नहीं देखा, भले ही तुमने जो कुछ किया तेरे को मैं प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी। कहते ये कौन है? बोले भगवान की भक्ति और ये भगवान का नाम है। इसलिए देखना हमारा भारत में जब शरीर छोड़ता है क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, और सबको ही बात झूठा है, हैं? यही बोलते बोलते अगर किसको बोले एक माला कर, पेट भरेगा? हमारे पास बहुत सारी काम है, टीवी देखने के लिए काम, गप्पे मारने के लिए काम, घूमने के लिए काम, लेकिन एक माला जम करो बेकार, जिसका कोई काम धाम नहीं वही सब बैठ करके हरे कृष्ण नाम करते, लेकिन जो कुछ करो, लेकिन अंतिम समय में हमारी यही काम आने वाली, एक सुई धागा भी हमारे यहाँ से काम आने वाली नहीं। इसलिए हमें चौथी रानी के प्रति हमें प्यार करनी चाहिए, ठीक है ना? सबके सब घर में बैठ करके नहा धो करके कम से कम एक दो माला करें, ठीक है ना? आज किसी ने किया कि नहीं? कल मैंने इतने कथा सुना है, कौन किया माला वाला? तो ये तो करता है। देखो मैंने इतने कष्ट करके कथा सुना रहा, देखो मैं एक साधु हूँ, मैं केवल एक लोग से कथा सुनाता हूँ। अगर आपके अंदर में किसकी हृदय में थोड़ा भक्ति की भाव जग जाए ना, फिर मैं समझूंगा यहाँ कथा करना मेरे साथ। परसों से रोज नियम से, परसों से रोज नियम है, कल कर सो आज करो और आज करो। कल आपने 9 बजे वो पढ़ाया, इसलिए पल में पढ़ाई होगी बहुत रही का।
इसलिए इसलिए कल कभी आता है कभी, जो आज नहीं वो कभी नहीं है, जो अभी नहीं वो कभी नहीं। इसलिए जितने जल्दी हो क्या करनी चाहिए, सारे काम को पीछे रख लो, जो भागवत कहता है। क्योंकि संसार में हम जो काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, खाना पीना सोना यही तो कर रहे हैं। ये तो सारे जानवर जीवन में भी यही करते करते करता है। कहते सारे काम को पीछे रखो, पहले प्रभु का भजन करो। देखो आप रामायण सुने होंगे, ध्यान देकर सुना, रामायण सुने होंगे, जब भगवान राम ने रावण को बाण मारे, अभी रावण गिर पड़ा, अभी प्राण क्या करने वाले। राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ये रावण बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी है, जाओ अंतिम उपदेश उससे लेकर के आओ। वहां पर लक्ष्मण हाथ जोड़ कर बोले, भैया राम ने आपका पास में भेजा कुछ अंतिम ज्ञान बताओ। देखो रावण क्या कहता है, लक्ष्मण मेरे से दो गलती हो गई, जैसे तुम्हारे जीवन में ये दो गलती कभी नहीं हो। बोले पहला गलती की आप, बोले पहला गलती ही ये था, ये संपूर्ण जो लवण समुद्र को मैं सोच रहा था मीठा बना, मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं। दूसरे गलती हो गई, मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दो, सारा दुनिया चाहता है स्वर्ग में जाए, मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था। और लवण समुद्र को अगर मैंने बना देता अगर मीठा, देखना पृथ्वी चार भाग में तीन भाग तो पानी, समुद्र एक भाग स्थल है, लेकिन तीन भाग पानी तो, लेकिन किसका प्यास है ये नहीं बुझा सकता, क्यों, पानी नमकीन है। अगर इसको मैं मीठा बना देता ना, जो पिता बोलता भाई किसने बनाया रावण, दुनिया स्वर्ग जाना चाहता है, अगर सीढ़ी बांध देता कोई स्वर्ग जाता, किसने बनाया, रावण, अपने आप में स्वर्ग में पहुंच जाता, लेकिन मेरे से ये गलती हो गई। बोले हाँ करूंगा तो करूंगा करूंगा, लेकिन कर नहीं पाए, अभी मर गया। मैंने हम भी कहते भजन करेंगे करेंगे, इसलिए प्रहलाद कहते हैं हमने जो श्वास अभी छोड़ा है, कोई यहाँ पर बैठे बता सकते हो दूसरे श्वास भी हम ले पाओगे, कोई बता सकता है दूसरे श्वास हम ले पाएंगे। आप न्यूज पेपर पढ़कर देखो कैसे कैसे लोग कैसे कैसे मर रहे हैं। इसलिए बोले भैया कल कर सो आज करो, और आज कर सो आज, इसलिए पल में प्रलय होगी बकरी रहेगी कब, लेकिन हम क्या कहते ना आज कर सो कल करो, कल कर सो परसों, भैया जल्दी जल्दी क्या करता पड़ा रहा है वर्षों, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आज आप लोगों को हम एक एक माला देंगे, जो चाहते हो माला जप करना, ठीक है ना, जो माला जप करना चाहते हो आपको आज एक एक माला देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद में गिरिराज जी कथा सुनेंगे, और अभी मटकी ले आओ, अभी कन्हैया अभी मटकी फोड़ेंगे, अभी कन्हैया मटकी फोड़ने वाले हैं। उसको ऊपर कैसे चढ़ेगा, अब उसको ऊपर में ठीक, ये इसको नीचे से हट जाओ थोड़ा सा, उसको नीचे से थोड़ी हट जाओ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, ठीक है, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो माखन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। सखी रात साँझ सपने में आए, अरे मोहर धैया पी गए, हाँ हाँ धैया, अरे धैया पी गए, धैया पी गए, अरे भैया पी गए, भैया पी गए, I'm gonna make it right.
I'm a man of God.